तलवार चलाती है, मुश्किल राहों में अपना रास्ता बनाती है, बेटियों को ताइक्वांडो जूडो सिखाती है, उन्हें आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाती है। मेरा नाम तुषिता है, मैं उत्तर प्रदेश हरदोई की निवासी हूँ। हरदोई जहाँ सबसे पहले बेटी के जन्म पर एक पेड़ लगाने की परंपरा बेटी बगीचा शुरू हुई। मैं नेशनल लेवल की खिलाड़ी हूँ और मैं जूडो ताइक्वांडो तलवारबाजी करती हूँ, जिसमें मैं लड़कियों को स्पेशली सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी देती हूँ। तुषिता की कामयाबी का सफर आसान नहीं था। बीमार पिता, परेशान माँ, भाइयों की जिम्मेदारी, सब कुछ तुषिता को ही करना था। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए यही है कि मैं एक बेटी हूँ और घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे दोनों भाई छोटे हैं और पापा अभी बिल्कुल बेड पे हैं, वो बिल्कुल भी चल भी नहीं पाते हैं। इनकम का कोई ऐसा जरिया नहीं है जो करे, मैं ही जो भी थोड़ा बहुत कर पाती हूँ। उसी ने सबको हिम्मत दी, उसकी शादी करने वाली थी तो उसको घर पूरा संभाला उसने। तुषिता दीदी बहुत मेहनती हैं और वो जो चाहती हैं करके रहती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने तुषिता के पंखों को नई उड़ान दी। मिशन शक्ति और नारी सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें ये विद्यालय वगैरह में जाती भी है और फ्री में प्रशिक्षण भी देती, काफी सारे बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। आज तुषिता लड़कियों के प्रति समाज की सोच बदल रही है। काफी बार ऐसा भी होता है कि सर टीम कैंसिल कर दी जाती है कि लेडीज कोच नहीं इसलिए लड़कियां नहीं जाएंगी। जब मैं एक अच्छी टीचर बनूंगी आगे जाके तो मुझे लगता है कि लड़कियों को इसके लिए भी काफी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो योजना मोदी जी ने चलाई है ये बेटियों के लिए बहुत ही लाभदायक है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ।